भारत और कनाडा के बीच चल रही तनातनी के बीच एक खबर भिखारिस्तान से भी आई है, जहां बताया जा रहा है कि आतंकी हाफिज सईद इन दिनों काफी बेचैन है। और हो क्यों ना, आखिर सवाल उसके बेटे का जो है। दरअसल कहा जा रहा है कि आतंकवादी का आतंकी बेटा कमालुद्दीन सईद कहीं लापता हो गया है, मतलब आशंका ये भी है कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में उसी आतंकी हाफिज सईद के कुपुत्र कमालुद्दीन सईद के बारे में बताते हैं। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ कुणाल। भारत को 26/11 जैसा दर्द देने वाला आतंकी हाफिज सईद इन दिनों खुद अपने बेटे के गम में डूबा हुआ है और उसके मन में मानो ज्वार भाटा उठ रहा है। कहते हैं ना कि आपके पापों का फल आपके करीबियों को जरूर मिलता है। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ है आतंकिस्तान की पनाह में रह रहे हाफिज सईद के बेटे के साथ। बताया जा रहा है कि उसका बेटा कमालुद्दीन सईद 26 सितंबर से गायब है और अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि पेशावर में उसे आखिरी बार देखा गया था और सूत्रों के मुताबिक कमालुद्दीन को कुछ लोग एक कार में लेकर कहीं चले गए थे। यहां तक कि पाकिस्तान के कई सीनियर पत्रकारों ने दावा किया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी उसका पता लगाने में नाकाम रही है। और वहीं उसकी गुमशुदगी की खबर से ISI में भी हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप मचना तो लाजमी है क्योंकि आतंकिस्तान के प्रिय हाफिज सईद का बेटा जो ठहरा। खैर, कहा तो यहां तक जा रहा है कि बेटे के गायब होने के बाद से हाफिज सईद का भी बुरा हाल है, वह बस अपने बेटे को याद कर रोए जा रहा है। वैसे बता दे कि लश्कर ए तैयबा का सरगना आतंकी हाफिज सईद इस समय पाकिस्तान की जेल में बंद है और इसके संगठन लश्कर ए तैयबा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ साथ भारत, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। और वहीं हाफिज भी मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक के बाद एक लश्कर के आतंकियों पर आती मुसीबतों से काफी परेशान है, क्योंकि हाल ही में कराची के गुलिस्तान ए जौहर में मौजूद एक पार्क में दो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने मौलवी जियाउर रहमान की हत्या कर दी थी। और ये मौलवी कोई और नहीं बल्कि लश्कर ए तैयबा का एक ऑपरेटिव था और उसकी हत्या खालिस्तान कमांडर फोर्स के मुखिया परमजीत सिंह पंजवार की तरह बिल्कुल वैसी उसी की तरह हुई थी। और तो और कुछ दिनों पहले POK में भी लश्कर के आतंकी अबू कासिम को ढेर किया गया था। मतलब देखा जाए तो लश्कर से लेकर खालिस्तानी आतंकियों तक सभी को एक एक करके कोई ना कोई निपटाते जा रहा है। और इसी के डर के कारण हाफिज सईद को अपने बेटे की इतनी फिक्र लगी हुई है, कहीं उसका भी हाल बाकी आतंकियों की तरह ना हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।